वाइपर गायब करने से लेकर फिक्स हेडरेस तक, ऑर्डिनरी स्पेयर चाबी से लेकर पार्सल ट्रे के धागे तक, कॉस्ट कटिंग के मेनली दो रीजन होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखना और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। बट अगेन सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ कॉस्ट कटिंग जैसे फिक्स हेडरेस, साउंड डैम्पनिंग, मटेरियल, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने से गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। जैसे 2019 में आई टियागो फेसलिफ्ट, जिसमें टाटा ने फ्रंट और रियर से प्लास्टिक व्हील क्लैडिंग ही हटा दी, जिससे NVH लेवल्स बढ़ा और गाड़ी के ओवरऑल लुक पे भी असर पड़ा। ऐसे ही स्कोडा ने अपनी नई स्लाविया में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम हटा के पैनासोनिक का 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देना शुरू कर दिया। MG ने भी अपनी एस्टर में अफोर्डेबिलिटी के नाम पे एक नया EX वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ESP, ट्रैक्शन, हिल स्टार्ट और डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉस्ट कटिंग बुरी चीज होती है, जैसे कि स्पेस सेवर, जो गाड़ी की बूट स्पेस को मेंटेन करता है और साथ ही साथ लेड एंड वेट को भी कम रखता है। और क्योंकि स्पेस सेवर एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता और आपको ओरिजिनल टायर वापस लगाना होता है, इसे चारों टायर का वेयर पैटर्न एक जैसा होता है। आपने कौन सी गाड़ी में बेकार कॉस्ट कटिंग देखी है? और ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।